और अब आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और अब थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे अस्पताल प्रशासन में मौजूद होंगे, जहां पर घायलों से मुलाकात करेंगे, उनके परिजनों के साथ मुलाकात करेंगे, डॉक्टर से अधिकारियों से जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो बैठक की जा रही है, ये समीक्षा बैठक की जा रही है कि आखिरकार इतना बड़ा जो ये हादसा हुआ है जिस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि आखिरकार इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी बनती है। जाँच सीधे तौर पर बिठा दी गई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री ये बात साफ कर चुके हैं। जैसे ही उन तक ये जानकारी ये खबर पहुंची, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए अपने अधिकारियों को रवाना किया हाथरस और अब खुद भी मौजूद हैं हाथरस में, जहां इस समय समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। उनके साथ आप देखेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहां पर मौजूद हैं और यहां से अब थोड़ी ही देर के बाद रवानगी हो जाएगी अस्पताल की ओर। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आखिरकार इस दुखद हादसे के आरोपियों को अब ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कह सकते हैं कि जो सत्संग महाराज जिसके लिए कराया जा रहा था, भोले बाबा जिसका नाम है, इस शख्स की अभी फिलहाल फरार ये चल रहा है। ना सिर्फ ये शख्स बल्कि पूरी टीम, इनके कमेटी के पूरे लोग, उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, वो सभी लोग फरार चल रहे हैं जो ये सत्संग करवा रहे थे। उन सबकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जल्द से जल्द वो पकड़े जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देख रहे हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ हाथरस अस्पताल के बाहर से मौजूद हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, हम तस्वीरें मुख्यमंत्री की दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए आप अस्पताल के अंदर से हमें जानकारी दे रहे हैं। एक बड़ी जानकारी आपने दी कि देखिए 10 लोग जो यहां पर भर्ती हैं उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री यहां पर अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन देखिए अभी हम अखिलेश यादव को सुना रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर जांच चल रही है इस मामले की, यूपी की सरकार को दोषी ठहराया है। वो कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर इंतजाम बंदोबस्त पूरे नहीं है, घायलों के लिए ना दवाइयां हैं ना स्ट्रेचर है उनको लेकर जाने के लिए, लेकर आने के लिए। सीधे तौर पर वो योगी सरकार और अस्पताल प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उसके बाद से लगातार इसका इस पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट आने लगे और विपक्ष जो है वो घेरने लगा, जिस पर मौजूदा पार्टी ने, बीजेपी ने, यानी जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उसने ये कहा कि संवेदनाएं होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं और शुरुआत में जाहिर तौर पर जिस तरीके की दृश्य देखने को मिला था कि सिकंदरा राव में करीब करीब 100 बॉडी एक साथ पहुंची थी, तो जाहिर तौर पर स्थिति चरमराई थी, लेकिन बाद में स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की गई, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया, मेडिकल सुविधाओं का आसपास के जनपदों से किया गया, जिलाधिकारियों से कोऑर्डिनेशन किया गया। तो शुरुआती तौर में स्थिति चरमराई थी, लेकिन बाद में स्थिति जो है उसमें सुधार किया गया और फिलहाल अब जिस तरीके से आपको रोकना चाहूंगी, दरअसल अखिलेश यादव ने यहाँ पर प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। चूंकि आप इस समय अस्पताल प्रशासन के बाहर से हैं तो आपसे जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेचर नहीं है यहां पर, जो 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 घायल लोग हैं उनको लेकर जाने के लिए, लेकर आने के लिए दवाइयां नहीं है अस्पताल के अंदर, पूरी व्यवस्थाएं नहीं है, जो यहां पर लोग मौचे हुए हैं पीड़ितों के उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो ये गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और यहां पर चिंता की बात यह है कि पूरी तैयारियां अस्पताल प्रशासन की देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव के सवाल। देखिए जाहिर तौर पर राजनीति शुरू हो गई है, इस पे बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा, पूरी तरीके से राजनीति शुरू हो गई और जिस तरीके से लगातार बयानबाजी भी हो रही उससे ये स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पे जितने भी बॉडी, 38 बॉडी थी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 38 बॉडी इस हाथरस में आई थी, सभी का पोस्टमार्टम हो गया है, संभवतः एक बॉडी रह गई थी अब से 1 घंटे पहले, उसका भी पोस्टमार्टम हो गया होगा। तमाम जो यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारी थे उनको लगाया गया था पोस्टमार्टम जल्द से जल्द हो और बॉडी सुपुर्द की जाए, एम्बुलेंस बुलाई गई, तमाम जो सुविधाएं थी आसपास के जनपदों, जाहिर तौर पर 100 बॉडी के लिए 100 एम्बुलेंस की सुविधा एक जनपद में नहीं हो सकती है, तो आसपास के जनपद से कोऑर्डिनेट करके तमाम एम्बुलेंस बुलाई गई और एक एक करके जिस तरीके से शव होते गए, शिनाख्त होती गई, सभी को सुपुर्द कर दिया गया। बाकायदे इसमें अफसरों की ड्यूटी लगाई गई, राजस्व विभाग के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई, नायब तहसीलदार की लगाई गई, कानून गो की लगाई गई, तहसीलदार की लगाई गई, एसडीएम की लगाई गई, तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई गई। इसी से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है कि जिस तरीके से खुद वहां पर लोग मौजूद हैं, हिमांशु, उन्होंने किया है कि जो सरकार के मंत्री वहां पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ,
तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो वहां घायलों को दी गई है, उपचार उनको दिया गया है। और इस समय सारे घायल जो अब अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर आप इस समय मौजूद हैं, वहां पर 10 घायल हैं और आप भी बता ही रहे हैं कि वो खतरे की जद से बाहर हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े करना वाकई में चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ हमें उस दोषी को, उन हत्यारों को पकड़ना है जिन्होंने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है, बजाय कि हम सरकार को घेरे। राजनीति करना बहुत गलत है। बिल्कुल ठीक बात है, राजनीति हो रही है वो बेहद गलत है। और यहाँ पर जो 10 लोग हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। मेडिकल सुविधाएं हैं, लगातार मॉनिटरिंग के लिए सिटी मजिस्ट्रेट स्तर के लेवल के अफसर लगाए गए हैं। इसके अलावा सीएमओ और लगातार निगरानी बना रहे, कमेटी का गठन किया गया, एक डॉक्टर का पैनल तैयार किया गया है। जो 10 लोग हैं उनके इलाज में कोई कमी नहीं रही। देखिए शुरुआती तौर में जो अगर बात करें तो शुरुआती तौर में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता गया, क्योंकि बॉडीज की गिनती धीरे धीरे होती गई, उसको कंफर्म करता गया। लेकिन उसके बाद जो बॉडीज आई हैं वो जो है वो उनको उपचार दिया जाए, उनमें कोई क्रिटिकल ना हो, उनमें कोई कैजुअल्टी ना हो, इसका बेहद ख्याल रखा गया है। शायद इसी वजह से जो कैजुअल्टी है वो 150 और 200 नहीं पहुंची है। और आपको बताएं अलीगढ़ में, आगरा में, एटा में, हाथरस में, आसपास फिरोजाबाद में जितने भी जनपद है, यहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, यहां के सीएमओ से, यहां के हेल्थ सुविधाओं से, यहां के प्राइवेट अस्पतालों से सबसे कोऑर्डिनेट किया गया और उपचार अच्छा दिया जा सके इस पर फोकस रखा गया है। शायद इसी वजह से यह आंकड़ा 150 और 200 नहीं पहुंचा। इसको लगातार मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, जल्द से जल्द जो मेडिकल एड है वो दिया जाए, जो घायल हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी है। तो जाहिर तौर पर देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए और यही लगातार सवाल जो है मीडिया भी उठाता रहा है और इसके साथ साथ जो मौजूदा पार्टी है वो संवेदनाओं की व्यक्त बात कर रही है और दूसरी तरफ कार्रवाई की बात कर रही है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से समीक्षा बैठक हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि सिकंदरा राव में पुलिस लाइन में जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहां समीक्षा बैठक के बाद सब जितने भी अधिकारी हैं, जो जो जहां पे लूपहोल देखने को मिला है वहां पर कार्रवाई निश्चित होगी और ऐसे संकेत अफसरों से मिल चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई कर दी जाएगी, सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और साथ ही जो बाबा फरार है, जो सूरज पाल बाबा फरार है, उसके लिए टीमों का गठन किया गया है, उसकी भी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ से साझा की गई है। कितनी टीमें लगाई गई, लगातार तबीज दी जा रही है, मीडिया को सूचनाएं भी साझा की जा रही हैं। और आपको बता दें कि टेक्निकल मैनुअल सर्विलांस के जरिए और कई टीमें, मतलब एक दो चार नहीं है, दर्जनों टीमों का गठन किया गया। जो वाकई में दुखद है हिमांशु, बहुत दुखद है कि एक तरफ इस घटनाक्रम, ये जो पूरा इतना भयंकर गमगीन कर देने वाला हादसा हुआ है, इस पर शोक प्रकट करना चाहिए और जो लोग दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, उनको नहीं बख्शना चाहिए। ये स्टेटमेंट आने चाहिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, बजाय कि वो सरकार को घेरें, उपचार व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करें। मैं लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस से एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने न्यूज 18 से बातचीत की है, सुनिए। अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ, यहाँ पर 38 शव आए थे जिनमें से यहाँ पर 36 का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मेरे साथ एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक मौजूद है, जिनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा। सर 36 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, 38 आए थे, बाकी की सर लेटेस्ट क्या अपडेट है? सर देखिए दो के जो फोटोज हैं वो पूरे प्रांत में और पूरे प्रदेश में और जो है अगल बगल के जो स्टेट्स हैं वहां पे भी सर्कुलेट कर दिए गए हैं। उम्मीद है उनकी भी जल्दी शिनाख्त कर ली जाएगी और उसके बाद उनका भी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करके उनको उनके रिलेटिव्स को सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्या सर पूरी रात पोस्टमार्टम चले हैं? सर हाँ पूरी रात पोस्टमार्टम किए हैं, यहाँ पे मेडिकल टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत ही युद्ध स्तर पे काम करते हुए 38 में से 36 का पोस्टमार्टम पूरी रात में उन्होंने करके मतलब कंप्लीट किया है। क्या लगभग सर 8 बजे तक अब तक 35 का हो चुका है, एक का होना बाकी रह गया है? नहीं 36 का हो चुका है और 36 भी रवाना हो चुके हैं अपने गंतव्य के लिए और उनके रिलेटिव्स को सुपुर्द भी कर दी गई हैं बॉडीज। ये मेरे साथ एसपी सिटी मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी रात यहाँ पर पोस्टमार्टम किए गए हैं, मेडिकल विभाग ने भी यहाँ पर अच्छा कार्य करा है। यहाँ पर 36 शव आए थे, उनको पूरी तरीके से यहाँ से पोस्टमार्टम करके संतोष करके यहाँ पर उनकी रवानगी कर दी गई है। अलीगढ़ से न्यूज 18 रंजीत सिंह। तो लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, अमित गंजू के पास एक बार फिर से चलते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे अस्पताल प्रशासन, आपको तस्वीरें वहां की दिखाएंगे, लेकिन इस समय घटनास्थल से जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से हमारे साथ अमित गंजू लगातार बने हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और बारीकियां भी समझा रहे हैं कि कैसे यह हादसा हुआ है। अमित गंजू, आपसे जब पहले बात हो रही थी तो आप वो पंडाल दिखा रहे थे जहां पर ये भोले बाबा बैठे थे, जहां से वो सत्संग कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है
इस पूरे घटनाक्रम से वो ये है कि इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं जहां पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, परमिशन लेके आपको यहां पर सुरक्षा व्यवस्था देके इस आयोजन को कराया जा रहा है, तो आप एंट्री एग्जिट पॉइंट क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि इस हादसे में सबसे बड़ी चूक, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी गलती यही कि इस पूरे समारोह में एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं था। अहम सवाल आपने उठाया और यही बात अब पुलिस भी इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। सिकंदरा राव की एक टीम आई थी अभी इससे पहले, यहाँ के आईजी अलीगढ़ जोन और चित्रवी जो मंडल आई तो यहाँ आई, उन्होंने पूरा पंडाल पे हुआ, उनके साथ एक टीम थी, उसने इसकी फोटोग्राफी कराई। उसका उद्देश्य क्या था वो तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर एंट्री और एग्जिट होना चाहिए था। जिस प्रकार से 80,000 भी यदि परमिशन ली गई थी उन आयोजकों द्वारा, चाहे उसमें मधुकर की बात करें, हम अनार सिंह की बात करें, महेश चंद की बात करें, उन पांच लोगों ने जिसमें प्रधान, उप प्रधान, सह प्रधान, लिपिक प्रधान, ऐसी पांच पोस्टें उन्होंने बनाई थी। और जब इसका एक डामर, अमित गंजू, मैं इमरजेंसी गेट की तो पूछ ही नहीं रही हूँ, इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं बनाया ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एंट्री और एग्जिट गेट क्यों नहीं बनाया ये सबसे बड़ा सवाल उठता है इस पूरे घटनाक्रम में।